हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस। हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग सेशन था फ्राइडे और एक अच्छी खासी तेजी हमें निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिली। ये 5 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है, आज कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा था। कल हमने जो लेवल्स मार्क किए थे, ब्रेकआउट लेवल के पास एग्जैक्ट ओपन हुआ, रेजिस्टेंस फेस किया, नीचे आया, ब्रेकडाउन लेवल के पास सपोर्ट टेस्ट किया, फिर ऊपर गया, एग्जैक्ट ब्रेकआउट लेवल के पास रेजिस्टेंस फेस किया। काफ़ी वोलेटाइल मोमेंट दिखा रहा था शुरू के कुछ मिनट। नीचे आया तो फर्स्ट टारगेट ऑलमोस्ट अचीव कर लिया था और इसी के पास इसने एक पैटर्न क्रिएट किया जिसका नाम है डबल बॉटम पैटर्न। और जैसे ही इसने डबल बॉटम पैटर्न का नेक लाइन को ब्रेक किया तो ज़बरदस्त तेजी यहाँ से देखने को मिली। और तभी फर्स्ट टारगेट भी अचीव हुआ, सेकंड टारगेट ऊपर ही लेवल का ये भी अचीव हुआ। एग्जैक्ट इसी लेवल के पास इसने काफ़ी देर रेजिस्टेंस फेस किया, तो लेवल्स काफ़ी एक्यूरेट साबित हुए। अभी मंडे के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन वीक ख़त्म हो चुका है तो एक बार वीकली चार्ट को भी देखना काफ़ी ज़रूरी है। चलते हैं वीकली चार्ट में निफ्टी के। हेलो गाइस, शुरू कीजिए ट्रेडिंग जर्नी हमारे साथ। हमारे अंडर ओपन करें डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट और आपको मिलेगी हमारे इंट्राडे प्रीमियम चैनल्स की फ्री मेंबरशिप और हमारे टेक्निकल एनालिसिस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए एक स्पेशल डिस्काउंट भी। उसके लिए आपको करना क्या है, इन चारों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन करना है तो आपको जस्ट यहाँ से क्लिक करना है, तो एक वेब पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है, कंटिन्यू करना है तो आगे की ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स सब कुछ क्लियर है। तो अकाउंट ओपन होने के बाद आपको हमें इस नंबर के ऊपर कॉल करना है ताकि हम आपका क्लाइंट आईडी कंफर्म कर सके। तो ट्रायल्स के लिए आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक के ऊपर क्लिक करें। ये निफ्टी का वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट को अगर हम देखें तो ये जो ये इस वीक का कैंडल बना, ये इनसाइड बार कैंडल बना, यानी प्रीवियस कैंडल का हाई और लो इसने ब्रेक नहीं किया, लेकिन एक स्ट्रांग बुलिश कैंडल स्टिक यहाँ पर बनते हुए नज़र आ रहा है। तो अभी आने वाले वीक में ये हमारा ब्रेकआउट ये और नीचे इसका लो हमारा ब्रेकडाउन लेवल का काम कर सकता है। सेटअप काफ़ी बुलिश है, जो हमने आइडेंटिफाई किया था यहाँ पर ये राइजिंग डबल बॉटम फॉर्मेशन वीकली चार्ट में बना था इस कैंडल के वक्त। और ऐसा जब भी पैटर्न बनता है तभी हमें प्राइस एक्शन में ज़बरदस्त तेजी देखने को मिलती है। मोस्ट ऑफ द टाइम 90-80% हमें ज़बरदस्त तेजी देखने को मिलती है इस पैटर्न को चार्ट में आने के बाद। तो वीकली चार्ट काफ़ी बुलिश है, डेली चार्ट को देख लेते हैं। डेली चार्ट है ये निफ्टी इंडेक्स का। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो लेवल है ऑल टाइम हाई का 15,900, इसके पास ये काफ़ी टाइम रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। ये फर्स्ट टाइम था, उसके बाद सेकेंड टाइम, अभी 2 दिन पहले भी यहाँ से एक ज़बरदस्त रेड कैंडल बना और आज भी ऑलमोस्ट इसने 15,900 के पास ये पहुँच चुका था। तो अभी यहाँ पर 15,900 एक ज़बरदस्त हर्डल है, उसको अगर ब्रेक करता है निफ्टी इंडेक्स तो और भी तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है। यहाँ पर हमने फिबोनाची एक्सटेंशन को ड्रॉ किया था, अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं तो पिछले वीडियो में भी हमने इसे ड्रॉ किया था। तो 38.2% के लेवल के ऊपर अभी इसने क्लोज दिया है। हालांकि अगर ये कैंडलस्टिक पैटर्न को देखें तो ये हैंगिंग मैन जैसा कैंडल बना है। हैंगिंग मैन जब भी अप ट्रेंड में आता है तो ये ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल होता है, कन्फर्मेशन नहीं होता। कन्फर्मेशन के लिए यहाँ इसको एक रेड कैंडल बनाना होगा और ये जो हैंगिंग मैन है इसका लो इसे कंफर्टेबली ब्रेक करना होगा, तभी ये कंफर्मेशन के साथ ये पैटर्न कंप्लीट होगा। तो अभी सिर्फ सिग्नल है, लेकिन जो वीकली चार्ट है और जो ओवरऑल ग्लोबल क्यूज है, अगर यूरोपियन मार्केट देखे और यूएस मार्केट देखे तो आज ज़बरदस्त तेजी में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यूएस मार्केट भी अभी ग्रीन कलर में ट्रेड कर रहा है, तो हो सकता है मंडे के दिन हमें यहाँ पर भी तेजी देखने को मिल सकती है। तो ये है वीकली और डेली चार्ट का सिनेरियो। 60 मिनट के चार्ट में चलते हैं, मंडे के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे। आर्ली चार्ट में आप क्लियरली देख सकते हैं ये 15,900 के यहाँ से फर्स्ट सेलिंग प्रेशर, ये सेकेंड सेलिंग प्रेशर है और अभी फिर से तीसरी बार ये 15,900 के पास आ चुका है।
तो हमारा यहाँ पर ब्रेकआउट लेवल क्लियरली इस लेवल के पास होगा, यानी 15889 ये हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा। इसके ऊपर निफ्टी इंडेक्स सस्टेन करे तो हमारा फर्स्ट टारगेट बनेगा अराउंड 15905, ये हमारा फर्स्ट टारगेट बनेगा। और सेकंड टारगेट बनेगा 15923, ये हमारा सेकंड टारगेट बनेगा। और अगर टूवर्ड साउथ की तरफ आता है तो हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा 15836। ये ब्रेकडाउन लेवल क्यों होगा? क्योंकि इसके पास इसने पास्ट में रेजिस्टेंस फेस किया। ये देखिए यहाँ पर आज भी एक फॉल आया सुबह के दिन, और उसके बाद निफ्टी इंडेक्स ऊपर गया। तो ये लेवल 15836 हमारा होगा ब्रेकडाउन लेवल, और इसके नीचे फर्स्ट टारगेट होगा हमारा अराउंड 15823, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकंड टारगेट होगा 15808, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। तो ये निफ्टी के लेवल से हम मंडे के लिए, और अभी बैंक निफ्टी में चलते हैं। बैंक निफ्टी का डेली चार्ट एक बार देख लेते हैं। वीक खत्म हो चुका है, डेली चार्ट को देखें तो सेटअप काफ़ी बुलिश बना हुआ है। शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, ये तीनों मूविंग एवरेजेस असेंडिंग ऑर्डर्स में है, और इसके ऊपर अभी बैंक निफ्टी इंडेक्स फिर से एक बार ट्रेड कर रहा है, और इसने आज स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक बनाया। और एक बात है, नीचे भी देखे RSI में तो एक बहुत ही अच्छा पैटर्न ये इसने बनाया, डबल बॉटम पैटर्न है। जब भी ऐसा पैटर्न बनता है तो हमने देखा है कि प्राइस एक्शन में ज़बरदस्त तेजी देखने को मिलती है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये दो पॉजिटिव साइंस हमें डेली चार्ट पर देखने को मिल रही है बैंक निफ्टी की। अभी चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में। 60 मिनट के चार्ट को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक ट्रेंड रिवर्सल फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, जिसका नाम है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। ये कैसे पैटर्न है ये देखिए, ये हो सकता है लेफ्ट शोल्डर, ये हो सकता है हेड, और ये हो सकता है राइट शोल्डर। और जब इसका ये नेक लाइन ब्रेक होगा, ऑलमोस्ट ब्रेक हुआ है, हो सकता है ये इसको फिर से रीटेस्ट करे और फिर जंप करे। तो ये यहाँ पर ज़बरदस्त इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, जो कि ट्रेंड रिवर्सल का पैटर्न है। तो तीन बुलिश पैटर्न हमें देखने को मिले हैं डेली चार्ट में। RSI ने डबल बॉटम बनाया है, ऊपर फॉर्मेशन जो है शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, और उसके ऊपर बैंक निफ्टी इंडेक्स ट्रेड कर रहा है, और आर्ली चार्ट में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना हुआ है। तो तीन कन्फर्मेशन है हमारे पास, और अभी मंडे के लिए ब्रेकआउट लेवल होगा हमारा अराउंड आज का जो टॉप है यानी हाई लेवल है 35500, हमारा हो सकता है ब्रेकआउट लेवल। और उसके बाद हमारा फर्स्ट टारगेट होगा यहाँ पर 35571, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकंड टारगेट होगा 35651, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड्स साउथ की तरफ ही आता है तो ये जो लेवल है आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक ज़बरदस्त स्विंग हाई इसने बनाया है, ये दूसरी बार बनाया है। तो हो सकता है इस लेवल जो पास्ट में रेजिस्टेंस का काम करता है, आगे जाके सपोर्ट का काम कर सकती है। तो 35256 को ब्रेक होने दीजिए, इसके बाद हमारा फर्स्ट टारगेट बनेगा यहाँ पर 35155, ये हमारा फर्स्ट टारगेट बनेगा। और सेकेंड टारगेट बनेगा अराउंड 35059, ये हमारा सेकेंड टारगेट बनेगा। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स हैं मंडे के लिए। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।